तो बच्चे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम किसी भी लेवल पर। टेंथ लेवल पर अच्छा सा लगेगा आप पी ई इक्वल टू लिखें एन ई अपॉन एन एस। ई का मतलब है वो इवेंट जिसकी आप प्रोबेबिलिटी चाहते हैं, एन ई का मतलब फेवरेबल आउटकम और एन एस का मतलब सम ऑफ आउटकम। अब ये आउटकम क्या होता है, एक्सरसाइज कल शुरू करेंगे, आप ये 30 मिनट का कंसेप्ट शांति से दो बार देख लें। सर जैसे हमने कोएन टॉस किया तो वो या तो हेड पे पड़ता है या तो टेल पे पड़ता है, तो यहां पर हेड और टेल उसके आउटकम है, टोटल आउटकम कहते हैं। हेड और टेल आउटकम्स हैं। अब अगर आप टू कोएन टॉस करें या इसका एक ही मतलब है वन कोएन ट्वाइस थ्रो करें, एक ही बात है, दो कोएन को एक साथ थ्रो किया जाए या वन कोएन को ट्वाइसली थ्रो किया जाए, तो टोटल आउटकम हो जाएंगे चार। एच एच आई, एच टी आई, टी एच आई और टी टी आई, तो टोटल चार आउटकम बनते हैं। दोनों हेड पर पड़े, फर्स्ट हेड सेकंड टेल हो, फर्स्ट टेल सेकंड हेड हो या टी टी हो, तो यहाँ पर एक कोयन को दो बार थ्रो कर दें या फिर दो कोयन को एक साथ थ्रो कर दें तो टोटल आउटकम होते हैं चार। थ्री कोयन की अगर हम बात करें तो बच्चे तीन कोयन में तीनों एच, लास्ट वाला एच हटा दो टी आ जाएगा, दो एच हटा दो टी आ जाएंगे और एच टी एच, एच टी एच, ऐसे ही तीनों टी, टी टी एच, टी एच एच, टी एच टी। लिखने का तरीका क्या है, तीनों एच लिखो लास्ट वाला एच हटाओ दो एच हटाओ एच टी एच, तीनों टी लिखो लास्ट वाला टी हटाओ दो टी हटाओ और टी एच टी, टी हटाने का मतलब एच आएगा। अगर आपसे ऐसे नहीं हो पा रहा है तो यहाँ देख लो, एक कोयन का इवेंट है एच टी, ध्यान देना ये हो गया एक कोयन, इसे दो कोयन में बदलना है, तो एक कोयन का जो इवेंट है उसे दो बार लिख ले आप। ऊपर वाले दोनों के आगे एच लगा दें, नीचे वाले दोनों के आगे टी लगा दें, तो ये दो कोयन में कन्वर्ट हो गया, देख लो ये चारों आगे। अगर ऐसे नहीं लिखे जाते आपसे तो एक कोयन का होता है एच टी, एक कोयन के इवेंट्स को दो कोयन में कन्वर्ट करना है तो एच टी एच टी दो बार लिख के ऊपर वाले दोनों के आगे एच लगा दें, नीचे वाले दोनों के आगे टी लगा दें। अगर याद नहीं है इवेंट तीन कोयन के लिखने हैं तो ये दो कोयन वाले जो इवेंट हैं दो कोयन के आपने ऊपर बना लिए थे, इन्हें दो बार लिख लें, इन चारों को दो बार लिख लें। ये दो कोयन वाले दो, ये रे ये, ऊपर वाले चारों के आगे एच लगा दें, नीचे वाले चारों के आगे टी लगा दें, तो ये दो कोयन में कन्वर्ट हो जाए, तीन कोयन में कन्वर्ट हो जाए। हाँ जी, कैसे ही कर लें, दोबारा देख लें मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कोयन के इवेंट होते हैं एच टी, आपको पता है, इन्हें दो कोयन में कन्वर्ट करना है तो दो बार एच टी लिख के ऊपर वाले दोनों के आगे एच लगा दें, नीचे वाले दोनों के आगे टी। अब इन्हें तीन कोयन में कन्वर्ट करना है, दो कोयन वालों को दो बार लिखें, ऊपर वाले चारों पर एच लगा दें,
नीचे वाले चारों पर टी, तो ये तीन कॉइन में कन्वर्ट होगी। हाँ जी हाँ जी, कॉइन खत्म हो गया, आगे चलते हैं। दूसरी चीज आपके सिलेबस में आएगी डाइस, जिससे आप लूडो खेलते हैं। एक डाइस की बात करें, फन डाइस, टोटल 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसे एक कॉइन के दो आउटकम होते हैं, दो कॉइन के चार, तीन कॉइन के आठ। तो अगर एक कॉइन के आउटकम है, एक के दो होते हैं, दो कॉइन की दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, तीन की लिए दो बार, दो की तीन बार मल्टीप्लाई, चार कॉइन के लिए दो की चार बार मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इवेंट आ जाएंगे। समझ में बात आई? वैसे ही एक डाइस के इवेंट होते हैं कितने, 6, जो आप लूडो खेलते हैं। आपके सिलेबस में दो डाइस तक हैं, तो 2 डाइस के इवेंट, एक डाइस के 6 हैं, तो 2 डाइस के लिए 6 × 6 36 आउटकम होते हैं। अब वो 36 आउटकम कौन कौन से होते हैं आपको याद रखने होंगे। ये पहली डाइस 1 पर पड़े, दूसरी 1 पर, 1 के साथ 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, मतलब पहली 3 पर हो, दूसरी पर 6 में से कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही 4 की लाइन आएगी, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, तो टोटल ये 36 आउटकम हो गए। अगर आप एक डाइस को दो बार थ्रो करेंगे, या बात एक ही है, आप दो डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे, तो टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। क्लियर है? इसके बाद तीसरी चीज आपके सिलेबस में है कार्ड्स, जिन्हें हिंदी में ताश कहते हैं। तो ये टोटल होते हैं 52। ये सारी बातें आपको लर्न होनी चाहिए। कार्ड्स में 4 सूट होते हैं, SUIT, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट। 13 13 13 13, कार्ड्स जो होते हैं बेटा, ऐसे स्टार्ट करते हैं, एक नंबर मतलब ए लिखा रहता है, उसे कहते हैं एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जे लिखा रहता है, इसे कहा जाता है जैक, उसके बाद क्यू लिखा रहता है, उसे कहते हैं क्वीन, उसके बाद के लिखा रहता है, उसे कहते हैं किंग। तो ये टोटल हर सूट में 13 कार्ड होते हैं, ए से लगा के के तक, ए से लगा के तक, इसे एस कहते हैं। फिर 2 3 4 5 6 7 8, हर सूट में होते हैं, मतलब क्लब का भी एस होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, क्लब का किंग भी होता है, क्लब की क्वीन भी होती है, क्लब का जैक भी होता है। वैसे ही स्पेड के भी ये 13 होते हैं, डायमंड के भी ये 13 होते हैं, और हर्ट के भी ये 13 होते हैं। बच्चे ये दोनों मिला के ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक कितने हो गए, 26। ये दोनों रेड होते हैं,
तो रेड कार्ड कितने हो गए, 26, यानी कि ब्लैक भी 26 और रेड भी 26। हर सूट में एस होता है, तो टोटल एस कितने हुए, 4। टू कितने हुए, 4। 3-4, 4-4, 5-4, 6 कितने होते हैं, 4। 7-4, 8-4, 9-4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4। हर सूट में एक होता है, तो 4 सूट होते हैं, तो 13-4-52 इस तरह से होते हैं। हाँ जी, इसके बाद एक वर्ड आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है, जिन पर चेहरे बने होते हैं। तो फेस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं जिन पर चेहरे बने होते हैं बेटा। इसमें 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, इन्हें मिलाकर कहा जाता है फेस कार्ड। तो ये टोटल कितने हो गए फेस कार्ड, 12। कितने होंगे, 12। अगर आप कहें कि ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं, तो आधे ब्लैक होते हैं, ब्लैक फेस 6 और रेड फेस 6। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, बस सर ये 3 चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, इनकी तीनों की नंबरिंग आपको कल पूरी तरह याद होनी चाहिए, पूरी तरह। मैं पूछूं तो आप सेकंड ना लगाएं कि वो कितने होते हैं। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में मत घुसो, आज जर्नल बातें सुनते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी जो होती है बेटा, वो होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन, ये होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी। तो बेटा एक बात बताओ, पॉसिबिलिटी जो होती है किसी भी चीज की, मिनिमम 0% हो सकती है और मैक्सिमम 100%। मिनिमम 0% और मैक्सिमम 100%। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0-1 होती है हमेशा, 0-1। प्रोबेबिलिटी ना कभी 0 से कम हो सकती है। 0% का मतलब है बेटा 0, और 100% अगर आप परसेंट हटाएंगे तो परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएगा, तो 1। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0-1 होती है। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, जो होना ही नहीं है। मतलब जैसे आप एक बैग में रेड कलर की बॉल है और आप कहते हैं कि इसमें से एक बॉल निकालो वो ऑरेंज कलर की हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो इवेंट पॉसिबल नहीं है उसे क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे आप कॉइन फेंको और मैं कहूँ 6 आएगा, तो कैसे आ जाएगा। मैं डाइस फेंकूँ आप कहें हेड आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो होना ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। ओ सॉरी 0, 1 नहीं। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। 1 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, श्योर। श्योर इवेंट उसे कहते हैं सर्टेन टू हैपन, आ इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। मतलब जैसे अभी मैं कह रहा था इम्पॉसिबल क्या है, रेड बॉल है बैग में, आप कहते हैं ऑरेंज बॉल आएगी तो इम्पॉसिबल है, और आप कहते हैं रेड बॉल आएगी तो श्योर है आएगी, 100% चांस है।
मैं फेंकू कोयन, आप कहते हैं सिक्स आएगा इम्पॉसिबल है, मैं फेंकू कोयन आप कहते हैं हेड या टेल आएगा, श्योर है, सोले नहीं चल रही है कि खड़ा हो जाएगा, टेल या हेड पे ही आएगा, प्रैक्टिकल बात ये है, समझ में बात आई, सिक्का गिरेगा पक्का। हाँ जी, मैंने डाइस फेंकी, आप कहते हैं हेड आएगा तो इम्पॉसिबल है, आप कहते हैं एक नंबर आएगा जो लेस देन सेवन होगा, श्योर है आएगा ही लेस देन सेवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, जीरो टू वन। इसमें जो इवेंट नहीं होना है, कांट हैपन, होना ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे आप, इम्पॉसिबल इवेंट, और जो होना ही होना है उसे आप क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। एक वर्ड मैं शुरू में कहना भूल गया था, दोबारा कान के ढक्कन खोल के सुनो, जो नाइन्थ में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई गई थी वो प्रोबेबिलिटी नहीं थी, बकवास थी वो, उसे भूल जाना, वो कुछ नहीं था, प्रोबेबिलिटी अब स्टार्ट करती है, इसीलिए बहुत प्यार से कंसेप्ट समझा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी अब स्टार्ट हुई है, नाइन्थ में कुछ नहीं था वो कि जोड़ो और डिवाइड कर दो, जोड़ो और डिवाइड कर दो। सर इसके बाद बात करते हैं, एक होता है पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर अ इवेंट। अब ये इवेंट क्या होता है, पहले आप ई का मतलब होता है बेटा इवेंट, इवेंट क्या है, जो भी आप चाहते हैं वो इवेंट है। मतलब आप कोयन फेंकते हैं, आप हेड चाहते हैं, हेड आना इवेंट है, टेल चाहते हैं इवेंट है, कोयन फेंकते हैं चाहते सिक्स हैं, सिक्स भी इवेंट है, नहीं होगा वो बात अलग है, कोयन फेंकते हैं हेड आना इवेंट है, टेल आना इवेंट है, हेड ना आना इवेंट है, टेल ना आना इवेंट है, कोयन फेंकते हैं सिक्स आना इवेंट है, वो अलग बात है कि वो होता है या नहीं होता है। मतलब सीधी सी लाइन में बात करूं, जो आप चाहते हैं वो इवेंट है, वो हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो इवेंट है। जैसे आपने डेक ऑफ कार्ड, डेक ऑफ कार्ड का मतलब होता है ताश की गड्डी आपके हाथ में है, आप एक कार्ड निकालते हैं, आप चाहते हैं वो किंग आए तो इवेंट है, आप चाहते हैं वो किंग ना आए तो भी इवेंट है। मतलब सीधी सी बात समझ लें, आपकी डिमांड इवेंट है, जो भी आप चाहते हैं। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे कहते हैं पीई प्लस पी नॉट ई। मतलब यह ई के होने की प्रोबेबिलिटी और यह है ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी, हमेशा इसका सम होता है वन। पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू क्या होता है, वन। यानी कि अगर किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी वन अपॉन फोर है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस वन अपॉन फोर हो जाएगी, ना होने की वन अपॉन फोर है तो होने की वन माइनस वन अपॉन फोर हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम हमेशा क्या होता है, वन। एक बात तो आपकी समझ में आती होगी, वन का मतलब होता है 100%, जो आप चाहते हैं उसके होने और ना होने के चांस हमेशा 100% होते हैं ना, क्योंकि ना या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा, दोनों मिलाकर तो 100% चांस है। हाँ जी, क्लियर है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री आउटकम्स इक्वल टू वन होता है। ये क्या है, मतलब किसी भी आउटकम में, जितने आउटकम होते हैं, जितने भी इवेंट पॉसिबल हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा वन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोयन में हेड आना 50% का चांस है वन अपॉन टू, टेल आना
50% का चांस है, दोनों का सम कर दें तो क्या हो गया? 1. एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं? जो हिंदी में लिखता हूं साहब, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा, क्या लिख दिया, कंप्लीट आउटकम रिप्रेजेंट करे, मतलब जैसे 52 कार्ड होते हैं, वो इवेंट जो 52 कार्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो दो हो, चाहे वो एक हो, चाहे वो तीन हो, चाहे वो चार हो, चाहे वो पांच हो, वो सारे मिलाकर एलिमेंट्री कहलाते हैं। नहीं समझे, सुनो आराम से। आपने डाइस फेंकी, एक इवेंट है वन आना, एक इवेंट है टू आना, एक इवेंट है थ्री आना, एक इवेंट है फोर आना, एक इवेंट है फाइव आना, एक इवेंट है सिक्स आना, तो ये सारे इवेंट मिला के पूरा आउटकम उठा लिया ना आपने, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम वन होगा। या इसकी जगह एक इवेंट है ओड नंबर आना और एक इवेंट है इवन नंबर आना, तो इन दो इवेंट से भी आपने पूरा आउटकम उठा लिया। ओड नंबर में आपने उठा लिया 1, 3, 5 और इवन नंबर में उठा लिया आपने 2, 4, 6, तो पूरा सैंपल उठा लिया, नहीं उठा लिया, सैंपल का मतलब आउटकम। जैसे डेक ऑफ कार्ड है, ए इवेंट है स्पेड का कार्ड आना, बी इवेंट है क्लब का कार्ड आना, सी इवेंट है डायमंड का कार्ड आना, डी इवेंट है हर्ट का कार्ड आना, तो ये चारों मिलाकर एलिमेंट्री हो गए। रीजन, क्योंकि आपने पूरे कार्ड उठा लिए। या फिर ए इवेंट है ब्लैक कार्ड और बी इवेंट है रेड कार्ड, ये दोनों मिला के भी एलिमेंट्री हो गए, क्योंकि रेड और ब्लैक मिलाकर आपने भी पूरे कार्ड उठा लिए। समझ बात आ रही है? एलिमेंट्री का मतलब है जिससे आप पूरा सैंपल उठा लें, तो पूरे सैंपल की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है? 1। लास्ट बात, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये क्या होता है? बच्चे उस आउटकम को इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं जिसके होने व ना होने के चांस इक्वल हों। जैसे आप एक कॉइन फेंकें, हेड और टेल इक्वली लाइकली आउटकम है, 50% पे हेड आएगा और 50% पे टेल आएगा। यहाँ तक आप कंसेप्ट था, अब थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा बस एक्सरसाइज में घुसाता हूँ। यहाँ रहें, यहाँ बुक ना खोलें, बुक मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज वैसे कल शुरू से करेंगे, लेकिन आपको ट्रेलर दिखा देता हूँ। देखिए, अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, अगर आपको ये सारी बातें यहाँ तक आपने लर्न कर ली तो प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं। देखिए, पहला, प्रोबेबिलिटी फॉर अ इवेंट ई एंड नॉट ई का सम क्या होता है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन, जो होना ही नहीं है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सर्टेन टू हैपन, जो होना ही है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। और सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। बता दिया था आपको, वीडियो देख लेना दोबारा। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और लेस देन एंड इक्वल टू 1। अगला ये जानना चाहता है कि इक्वली लाइकली आउटकम कौन सा है इनमें से। इक्वली लाइकली आउटकम उसे कहते हैं बेटा जिसके होने और ना होने के चांसेस बिल्कुल इक्वल होते हैं, उसे कहा जाता है इक्वली लाइकली आउटकम। पढ़िए क्या कहता है। एक ड्राइवर अटेम्प्ट करता है एक कार को स्टार्ट करने के लिए, कार स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? आप सबको लगा होगा ये इक्वली लाइकली आउटकम है, नहीं है बेटा। रीजन, ये नेचर ऑफ कार पर डिपेंड करता है। कार अगर नहीं है तो अटेम्प्ट करेंगे स्टार्ट करने के लिए, जर्नल है स्टार्ट हो ही जाएगी। कार अगर कबाड़ा है स्टार्ट करेंगे तो
करे जाओ होने की ही नहीं, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली का मतलब है बेटा जिसके होने और ना होने की कन्फर्म 50% चांसेज हो, होने के भी चांस 50% और ना होने के भी चांस 50%। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर अटेम्प्ट करता है एक बास्केटबॉल को शूट करना, ही और सी शूट और मिस द शॉट, क्या ये इक्वली लाइकली है? नहीं बच्चे, ये नेचर ऑफ प्लेयर पर डिपेंड करता है। मुझे पकड़ा दो बास्केटबॉल, चांस ही नहीं है कि वो शूट होगा, और अच्छे प्लेयर को पकड़ा दो पूरे चांस है कि वो शूट करेगा। समझ में बात आई? तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। अ ट्रायल इज मेड आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, इट इज इक्वली लाइकली राइट और रॉन्ग, ये पक्का है, क्योंकि जब आपको नहीं पता है तो तुक्का लगने के उसके दो ही आंसर हो सकते हैं, 50% हेड होगा वो, सॉरी ट्रू होगा, और 50% फॉल्स, तो ये इक्वली लाइकली है। अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, इक्वली लाइकली है, पक्का हो गया। नेक्स्ट, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड अ फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट बॉल फर्स्ट, बिकॉज कॉइन हैज इक्वली लाइकली आउटकम। ये कह रहा है कि कॉइन ही क्यों फेंका जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, तो कॉइन इक्वली लाइकली आउटकम होता है, क्योंकि आप कॉइन फेंक रहे हैं, मैं मांग रहा हूँ हेड, मेरे जीतने के चांस बराबर हैं, हारने के भी चांस बराबर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? आपको बताया था प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है, 2/3 हो सकती है, 15% हो सकती है, 0.7 हो सकती है, लेकिन -1.5 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, माइनस छोड़ो +1.5 भी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है। PE जो है 0.05 है, P0T पूछा है, PE प्लस P0T इक्वल टू होता है 1, तो 1 में से 0.05 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। समझ में बात है, वो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन फंसेगा नहीं। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन 3 लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, खाली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है उसमें। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी 0 हो जाएगी, इम्पॉसिबल है, लेमन फ्लेवर कैंडी 1 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी श्योर है, बाकी कल करेंगे। यहाँ तक आप इसे 2 बार वीडियो को देख के कन्फर्म हो जाएं कि आपको यहाँ तक क्लियर है, आगे वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी जो आपको बताई। यहाँ तक कल आप सबसे पूछूँगा, ध्यान रखना।